हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा रैंडम है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा काम करने हैं और उन काम में से पहला काम है कि मुझको अपने डॉगी को वैक्सीनेट करा के लाना है। क्या मतलब, कौन सा डॉगी भाई? मेरा डॉगी अब तक नहीं मिले, कोई बात नहीं, अब मिल लो। तो ये है जिमी, जिमी द जर्मन शेफर्ड, नहीं जिमी द हाफ जर्मन शेफर्ड। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको दिख ही रहा होगा। फिलहाल ये 4 महीने की है, लेकिन जब ये मेरे घर आई थी तब ये सिर्फ 1 महीने की थी एंड तब से ये यहीं रहती है। वैसे तो ये बहुत क्यूट है, लेकिन कभी कभी अबे यार जिम्मी कुछ ज्यादा ही क्यूट हो जाती है। इस छोटे से डॉगी के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। अब चलते हैं वापस ब्लॉग पे, मिल लिए डॉगी से, अब चलते हैं नीचे उसको लेके हॉस्पिटल। आ जाओ। हाँ तो आप क्या 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 आप रेडी हो जाने के लिए? क्या आप शक्ल दिखाओ पहले अपने आप, क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी जाने के लिए? ये बहुत खुश है, इसको लेकिन पता नहीं है इसका क्या होने वाला है। इसको लगेगा इंजेक्शन। आपको इंजेक्शन लगने वाला है, आपको कुछ कुछ कहना है? हाँ कुछ कहना है आप? तो ये है जिमी। हेलो बोलो। तो इसको उठा के चलते हैं सीधा हॉस्पिटल लेके। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी सिस्टर मेरे साथ जाएगी क्योंकि वही पकड़ के बैठेगी बाइक के पीछे। एंड जो चलते हैं फिर, आ जाओ। तो जो इंजेक्शन चाहिए था वो यहाँ पे है नहीं, तो वो मैं जा रहा हूँ लेने के लिए एक केमिस्ट पे। तो इसके वैक्सीनेशन तो हो गया, इसको 2 लगे हैं, एक रेबीज का एक किसी और चीज़ का लगा है, दोनों साइड लगवा दिया हमने। अब इसको घर लेके जाएंगे। और कुछ काम है आपके करने के लिए? और कुछ काम नहीं है, अब चलते सीधा घर की तरफ। इसे खाना पीना खिलाते हैं। जिमी के साथ यहाँ पे एक और कुत्ता है, क्या नाम इसका? इसका नाम भी जिमी है। चलो बाय। सो फाइनली जिमी का वैक्सीनेशन हो गया एंड वहाँ मुझे कुछ सीखने को मिला, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बैठ जाते हैं। जी हाँ, तो बात ऐसी है, जहाँ मैं गया था इसका वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने मुझको बताया कि कभी भी डॉगी को मीट नहीं खिलानी चाहिए। लाइक उन्होंने कहा कि मीट से उनकी उनकी तबीयत खराब हो सकती है और काफ़ी प्रॉब्लम आगे जाकर उनको हो सकती है। ये है मेरी जिमी। तो इसको भी उसने बताया, अंकल ने बताया कि अगर आपको अपनी टांगें ठीक रखनी है। हाँ चले जाना, बस पहले मैं कुछ एक वीडियो में उसके बाद चले जाना, ठीक है? पक्की वाला, पक्की, तो जाओ आप जाओ। तो उन्होंने बताया अगर आपके डॉगी की डाइट में कैल्शियम प्रॉपर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो उनकी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी। लेकिन आपने बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे, उनकी टांगें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए उनकी डाइट में कैल्शियम होना चाहिए। हाँ बस यही सीखा मैंने वहाँ पे। जिमी अब ठीक है, उस टाइम से थोड़ा दर्द हुआ था लेकिन अब जिमी ठीक है। तो हाँ मैं जानता हूँ कि व्लॉग बहुत लेट आया हुआ है, जस्ट आफ्टर आई सेड कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगा एंड उसका, लेकिन उसके पीछे रीज़न है, और रीज़न ये है कि मैं बीच में मैं बीमार हो गया था एंड उसके बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, तो थोड़ा बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाया, और हाँ इसकी वजह से ही थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको इन्जॉय किया हो। ऐसे और व्लॉग आते रहेंगे एंड आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।